हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं ब्रदर्स। तो जैसा कि आपको लास्ट वाले एपिसोड में याद होगा, दोनों भाई एक फॉरेस्ट में थे और उधर भेड़ियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर नाया एक फायर स्टिक लेके उनसे बच बचा के आगे तक गया ही था कि नाई एक नदी में गिर गया था और वो नदी का फ्लो इतना तेज़ था कि वो दोनों भाइयों को बहाते हुए आगे तक ले गई थी। पर फिर फाइनली नाया और नाई एक साथ मिल गए थे। पर पता नहीं एक पेड़ जैसा एक क्रीचर था जो पेड़ जैसी शेप में था, उसने एकदम से नाई को एक खाई में फेंक दिया। तो उसको बचाने के लिए नाया भी उसमें कूद गया और फाइनली दोनों बच गए थे। पर फिर नाई को एक अजीब सा सपना आया जिसमें वो अपनी मम्मी को देखता है, अपने पापा को भी देखता है, पर उसमें उसका भाई उसको मार रहा होता है और वो फाइनली मर ही जाता है। पर पता नहीं ऐसा क्यों सपना देखा था। अब उसके बाद आगे उसको होश आ गया था और अभी हम देखते हैं आगे और क्या होता है। अरे ये कोई आदमी उधर लटका हुआ है, ये मर गया है क्या? नहीं, अरे नहीं हिल रहा, अरे ये लटक रहा है, इसको बचाना होगा, इसको पकड़ लो नीचे से। अरे नाया पकड़ ले उसको। हाँ पकड़ लिया, अच्छा है। अभी ऊपर से रस्सी को काट दो तो नाई को ऊपर चढ़ा देते हैं। ये ऊपर से रस्सी को काट देगा, हाँ, तो इससे वो आदमी बच जाएगा। पर पता नहीं ये क्यों लटक क्यों रहा था इधर से, ये इसका समझ नहीं आया मुझे अभी तक, ये लटक क्यों रहा था। वालिला, हाँ ये। एक तो इनका लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रहा है कि ये बोल क्या रहे, इसका मोटिव क्या था इधर। ये शायद परेशान हो गया था। अरे इधर से काला धुआं, मतलब इधर आग वाग लगी है शायद, इधर कुछ तो हुआ है, डिस्ट्रक्शन ही हुआ है कुछ, देखते हैं। पता नहीं शायद ये कुछ डिस्ट्रक्शन में इसका घर वर जल गया शायद, ऐसा ही कुछ हुआ है। पर किसने किया ऐसा डिस्ट्रक्शन? चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है इधर। इधर से दूसरा रास्ता भी एक जा रहा है, हाँ, तो इधर से ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं क्या है। ये तो कुछ बढ़िया स्ट्रक्चर बने हुआ है, कहीं विंड मिल बन दिख रहा है मुझे जितना दिख रहा है। अच्छा ब्रिज भी है। अरे ये तो पूरा ही ऊपर आ गया, ये लगेगा कैसे उधर? नहीं इस पे से भी ये यहाँ से शायद नाई निकल सकता है, हाँ निकल जाएगा। एक काम करते हैं, नाई को शायद एक बार उधर देखते हैं ऊपर से, शायद से निकल सकता है। हाँ 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 दो दो विंड मिल है ना, हाँ निकल भी सकता है। एक बार नाई को इस पे चढ़ा देते हैं और दूसरा वाला विंड मिल पकड़वा देंगे। अब पकड़वा देते हैं, हाँ ये हो गया। चलो नाई तो इस साइड आ गया, पर ये ब्रिज का कैसे होगा ये देखना पड़ेगा अभी। पहले नाई को नीचे ले जाते हैं पूरा इधर से, आ गया। अच्छा अभी एक बार ब्रिज खोलो देखते हैं। ये ब्रिज तो खोला नहीं, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। एक मिनट, इसमें हुक है और ये इस वाले ब्रिज में वो उसको लग सकता है ये वाला ब्रिज। अच्छा यहाँ से आगे कर सकते हैं हम, हाँ। और अब उसको ब्रिज को नीचे ले आओ, हाँ ठीक है। अब नाया भी आ जाएगा, चलो अब आगे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। ये वापस हम माउंटेन्स पे आ गए हैं वैसे तो इधर। अरे बहुत ही गहरी खाई है साइड में, बहुत ऊंचाई पे है हम शायद, बताओ इतने पतले से पेड़ पे से बस जा रहे हैं हम। अगर गिरेंगे तो फिर दिखेंगे भी नहीं किधर गए नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं इधर देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। ओहो एकदम ही एज पे चल रहे हैं हम पूरे माउंटेन के, बहुत ही खतरनाक जगह है। देखते हैं उस साइड क्या क्या है। हाँ मैप देख लो एक बार। ओके तो हमें उस जगह पे जाना है, पर ये तो बीच में बहुत ही बड़ी वैली है, ये पार करके कैसे जाएंगे हम।
उससे अच्छा वहाँ पे कुछ है दिख रहा है मुझे, उधर से शायद हेल्प मिल सकती है कुछ। पहले ये सामने एनिमल्स क्या कर रहे हैं? अच्छा गेट खोल लो पहले, एक से नहीं खुलता है, दूसरे को भी जाना पड़ेगा। हाँ अब खुल जाएगा। ये एनिमल्स किस काम के हैं इधर? इधर कोई रास्ता नहीं, ये किसी का एकदम ही एज पे घर है। अरे इन पे राइड भी कर सकते हैं हम, ले चलो इनको तो बढ़िया है। चलो इधर से बाहर निकलते हैं, ये हमें माउंटेन चढ़ने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये तो यही के एनिमल्स हैं ना, तो इनको आता होगा। माउंटेन चढ़ना कितना इजी हो गया है, एकदम आराम से। देखो अभी ये दोनों होते तो ये दोनों नहीं कर सकते थे इतना हाई जंप, पर ये एनिमल्स यही के हैं ना, तो इनको तो पता ही है कैसे। अच्छा है ना हमें मिल गया, नहीं तो हम ऊपर नहीं जा पाते माउंटेन के। कैसे कैसे रास्ते, अरे पत्थर टूट रहे हैं, अभी देखा मैंने। अरे थैंक यू, बहुत हेल्प करी आप लोगों ने हमारी। चलो अब हम आगे का रास्ता खुद से कर लेंगे पार। चलो चलते हैं, हम पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, बस आ गए। ओके तो शायद ये मशीन हमें स्टार्ट करके आनी है। अच्छा इसमें ये गियर मिसिंग है, इसको लगाना है और फिर स्टार्ट कर देना उसको एक बार। ठीक है कर देंगे, चलो चलते हैं। इधर से रास्ता है, यहाँ है ये जो चीज़ है, इसको फेंकना पड़ेगा ना गियर को। हाँ अब जंप होएगा, वापस उठा लेते हैं। चलो बस आ गए, मशीन ये लगा, इसमें मशीन में लगा देते हैं इसको और फिर तो हो गया। ये अभी भी नहीं जाएगा, अच्छा नाई तो जाएगा ना, नाई को भेज देते पहले। अब नाया वो गियर उठा रहे और इधर फेंक दे, हाँ फेंक दिया, वेरी गुड। नाई फटाफट लगा देगा उसको। चलो लग गया है, फटाफट मशीन चला देते हैं। अच्छा इससे इसका प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा, अच्छा वो अंदर अपने उधर काम कर सकता है ना, जो भी उसकी जगह है काम करने की। ये कहाँ ले जा रहे हैं हमें, इसके पीछे ही चलते हैं। ये दौड़ कैसे रहा है, मतलब ज़्यादा ही अजीब तरीके से चल रहा है। कोई बात नहीं, इससे पूछते हैं कैसे जा सकते हैं हम वो फोर्ट तक। वंदा ही अलतिया हिया माली। ये जो एक्शन कर रहे थे इससे कुछ समझ आ रहा है? उड़ के जाना है हमें, पर उड़ने का ऐसा सामान कहाँ है? अरे वो रहा, हमें पूरा एक ग्लाइडर दे दिया इन लोगों ने। अरे टेलीस्कोप भी है, टेलीस्कोप पहले चेक करेंगे। ओके तो ये वो फोर्ट है जहाँ पे हमें फाइनली पहुँचना है। इधर बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, पहले हम चलते हैं ग्लाइडर से, पहले चलते हैं। अरे इसमें अलग ही मज़ा आएगा, ग्लाइडर से जाएंगे, देखते हैं कैसे उड़ेगा। ये धक्का मारो और ये फाइनली उड़ जाए, उड़ जा, उड़ गया। ये नीचे जा रहा है, नहीं नहीं, 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 नहीं। हवा मिल गई इसको। ओके तो हमें वेट से इसको डायरेक्शन देनी है हमारे। ठीक है हम राइट में जाएंगे तो ये राइट में मुड़ेगा। हाँ ठीक है समझ गया, इसको उड़ाना तो आ गया, बस ठोकना नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव है जितना दिख रहा है। अरे मज़ा ही आ रहा है, एकदम उड़ के जा रहे हैं मतलब।
के बात है छोटी सी, इसके अंदर से जाना है। ज़्यादा नहीं मुड़ना, ज़्यादा नहीं, इसको हल्का सा मोड़ने पर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इधर तो आराम से चलाना होगा, हर तरफ पत्थर है, कहीं भी टकरा गया तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और ये फाइनली केव से निकल गए, ये आ गया हमारा फोर्ट सामने। अरे ये कौन से चमगादड़ ही थे शायद, उन्हें छेद कर दिया ग्लाइडर में। अब ये ढंग से नहीं उड़ रहा है, मतलब ये टूट रहा है धीरे धीरे करके। अब ये बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है, ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसको फटाफट लैंड कराना पड़ेगा हमें। ये यही पे साइड में ही लैंड होगा, ये पूरा ही क्रैश हो गया। पर हम फाइनली हमारी जगह तक पहुंच गए, फोर्ट में हम आ गए। ये जितना दूर से दिख रहा था पर ये उससे ज़्यादा ही बड़ा है। हाँ मैप चेक कर लो एक बार, सही तो जा रहे हैं ना। ये रस्सी क्यों निकाली है के दोनों एक दूसरे को बांध रहे ताकि कोई गिर ना जाए। हाँ वैसे भी हम बहुत ही हाइट पे हैं। ओके तो यहाँ से होके जाना पड़ेगा, ठीक है चलो। दोनों को अब साथ में ही रहना होगा, मतलब दूर जा भी नहीं सकते वैसे। चलो चढ़ाई करते हैं, पर इसमें तब भी ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ये कैसे कूदेंगे। अरे एक आइडिया आ रहा है, ये स्विंग करके शायद उधर तक जा सकता है। हाँ ऐसे ही करना है। हाँ। अरे इसको क्यों गिरा दिया वापस, रुको। ये जाएगा पहले उधर, और ये पहुँच गया। अब नाया को गिराएंगे और नाया उधर। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते हुए, और एक और बार गिराना होगा। हाँ ऐसे, अरे बढ़िया बनाया, अरे सही था सही था। इधर वापस वही करना होगा, ये पहुँच जाएगा एक मिनट। हाँ पकड़ लिया इसको, हाँ ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। हाँ हो गया, ये बढ़िया था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर लटकाए रखो। और ये एक और बार स्विंग कराएंगे इधर से। अरे छोड़ दिया वापस, चले जा। हाँ हो गया, और ये बहुत ही बढ़िया, और ये हमने पूरा सेगमेंट पार कर लिया। चलो फाइनली पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पे हम फाइनल। ये जगह हमारे साइज से बहुत ही बड़ी है, शायद इधर जाइंट्स रहते थे, पता नहीं ये, क्योंकि गेट हमारे साइज से तो बहुत ही बड़ा है। चलो थोड़ा और चढ़ाई करनी है अभी, ये बहुत ही बड़ा, दूर से छोटा दिख रहा था, अभी समझ आ रहा बहुत ही बड़ा है ये। पर ये बनाया किसने होगा, पूरे मतलब ऑलमोस्ट माउंटेन्स है हर तरफ, ये सिर्फ एक अकेला फोर्ट है, वो भी नॉर्मल साइज तो नहीं है ये। इधर वापस से झूला बनना है लगता है, दिख रहा है क्योंकि वैसे ही कुछ होना है। चलो नया को छोड़ देते हैं, अब ये लोग लटक लटक के आगे जाएंगे। अरे टूट रहा है, मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। अरे टूट रहा है, पूरा टूट रहा है, फटाफट करना पड़ेगा। ये देखो एक और हाथ के, अरे लटक गया है गलत। हाँ फाइनली, पर ये मूर्तियाँ किसकी है पता नहीं। ओह कितना बड़ा गेट है, अरे पूरा हमारे ऊपर नहीं गिरना।
एक और गेट इतना बड़ा सा, फिर से पार्कौर करना है। चलो चढ़ाई चालू करते हैं। अरे इसको इतना चढ़ा क्यों रहा हूँ, इसको तो लटका के वैसे भी वो साइड वाले को पकड़वाना है, हो जाएगा। और ये हो गया, अब लटके हुए में मैं नहीं चढ़ेगा। नाया को एक बार पकड़वा देते सबसे ऊपर वाला। और ये, अरे पकड़ा नहीं, ये पकड़ लिया, हो गया। अब ना ही ऊपर चढ़ेगा, हाँ ठीक है। वापस एक बार, हम आ ही गए हैं ऑलमोस्ट टॉप पे। और ये कुछ लास्ट बार, और ये पहुंच गए फाइनली। ये साइज देख के तो लग ही रहा है ये पक्का जाइंट्स ने बनाया है। नहीं अभी भी टॉप पे नहीं आए, अभी और ऊपर जाना है। चलो फटाफट इसको चढ़ते। ओके तो हम फाइनली टॉप पे आ गए हैं। अभी ये अभी भी रस्सी हमारे बीच में बंधी हुई है, इसको निकाल दो। अरे रास्ता कैसे, अरे टूट रहा है। और ये दोनों चल रहे हैं, अलग ही स्वैग है दोनों का। देखो पूरी कैसी जगह बनी है, ये फ्लोरिंग की वुड ही हमारे से, एक वुड का पीस भी हमसे बहुत बड़ा है। अरे जगह टूट रही है, हमें जल्दी चलना चाहिए था। और ये आराम से चल रहे हैं, दौड़ भी नहीं रहे। अरे रस्सी बंधी हुई है, कितना अजीब लग रहा है, इसको खोल दो। बहुत ही दोनों बहुत टाइम से साथ तक है। ओ हम बाहर आ गए, टॉप पे आ गए। चलो और ऊपर जाना। अरे कितना ऊंचा टावर है ये, थक गए भैया ऊपर जाते जाते। अब ये फाइनल टॉप होना चाहिए, इसके ऊपर मेरे को दिख भी नहीं रहा है कुछ वैसे। ये ब्रिज है कोई सा जो टूटा हुआ है। चलो आ गए दोनों ऊपर। फाइनली रस्सी खोल दी, पर ब्रिज तो टूटा है, हम आगे कैसे जाएंगे। ये किसकी आवाज थी, देखते हैं अंदर कोई तो है। देखो हम कितने नीचे से ऊपर आए, वो दिख रहा है सबसे नीचे वाला पॉइंट। ये किसी के रूम का गेट है और ये किसी का रूम, और हम इतने से हैं। ये कौन है, किसी को पिंजरे में बंद कर रखा है। अरे हम कितने छोटे, पक्का जाइंट्स है इधर। इधर ऊपर तो ये साइड से रास्ता बना हुआ है, यहीं से जाना होगा। जिसका भी रूम है अगर वो आ गया ना, तो ऑलमोस्ट हम उसके लिए चीटी बराबर ही हैं, वो वैसे ही मसल के भाग जाएगा। अच्छा है जो भी है, फटाफट करो यहाँ से निकलो। ये क्या है, ये पता नहीं किस चीज़ का। हम मेन तो इसको देख लेते हैं कौन है पिंजरे में। ये इंजर्ड है कोई, तो पूरी हर तरफ खून वून बिखरा हुआ है। ऊपर चलते हैं। ये बर्ड है कोई सी शायद, इसको पिंजरे में बंद कर रखा है। हाँ ये बर्ड ही है। एक मिनट, नाई शायद इसको बचा सकता है, कोशिश करके देख लेते एक बार। ये उधर से, अच्छा हाँ ये
जो लीवर है इसको अगर खींच देगा नीचे तो ये पिंजरा शायद ऊपर उठ सकता है। इसको नीचे और ये पकड़ लिया। नहीं थोड़ा और, ये नाया को भी उस पर लटकना पड़ेगा। इसको भी लटका देते हैं। ओ ये फ्री हो गई। ये थोड़ी आउल जैसी लग रही है। ये कोई ऐसी नॉर्मल बर्ड नहीं है। पहले इसको देखते हैं ठीक है कि नहीं है। ओके तो ये हमारी हेल्प करना चाहती है। हमने इसको ये पिंजरे से निकाला है तो ये अब हमें हमारी जगह तक ले जाएगी। वो ब्रिज टूटा था हमारा, नहीं तो हम चले जाते। अब ये अच्छा है, उड़ के ले जाएगी। अरे बढ़िया है, क्या बात है। पर ये चिड़िया हमसे बड़ी है, मतलब ये इनके इधर की ही चिड़िया कोई। चले गए हम फाइनली। पर ये बहुत ही इंजर्ड है, इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अभी थैंक यू तो बोल दे इसको। अरे शायद इसकी हालत बहुत ख़राब थी इसलिए ही शायद ये हो गया। ओके तो ये अपने फादर के साथ जब फिशिंग पे आता था तब यही सेम फेदर होता था उधर। ये थोड़ा सैड था। पर हमें हमारी जर्नी में अभी और आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे फादर को भी बीमारी है ही। पर ये वाला सीन थोड़ा गलत हो गया, मतलब सैड। चलो अब जर्नी तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपनी हमारी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मेरे से बात करने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।